श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने ओ आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लो भुक्ताभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामयम्। नमस्कार। इन टुडेज एपिसोड वी विल बी रीडिंग चैप्टर 16 विच हैज 32 श्लोकस। इन दिस चैप्टर अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड विष्णु एंड द गॉड्स अबाउट रावण ऑन द डिसअपियरेंस ऑफ द लॉर्ड विष्णु An attendant of Prajapati rises from the pit and hands over to Dasharatha a basin containing milk boiled with rice and sugar, and the latter is divided amongst his wives. आज हम बाल कांड के षोडश सर्ग यानी 16वें सर्ग का अध्ययन पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना तथा उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना के बारे में विवरण है। षोडश सर्ग में कुल मिलाकर 32 श्लोक हैं। ततो नारायणो विष्णु नियुक्तः सुर सत्तमय है जानपि सुरानेवं सुलक्षणं वचनं ब्रवीत। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। Solicited thus by the foremost of the gods, the all-pervading Narayana, though knowing everything thereupon, addressed the following sweet words to the gods. उपाय को वधे तस्य राक्षस अधिपतेः सुराः यम हम तम समास्थाय निहन्या अमृषा कंटकम। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? What can be the device for dispatching the aforesaid ruler of the ogres, O gods, by resorting to which I may be able to uproot them, that thorn in the side of all the rishis? एव मुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर विष्णुम व्ययम् मानुषम रूपमास्थाय रावणम जहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। Asked thus by the Lord, all the gods replied to the immortal Lord Vishnu as follows. Assuming a human form, make short work of Ravana in battle. Sahi tepe तपस्तीव्रम दीर्घकाल मरिंदमः येन तुष्टो अभवद् ब्रह्मा लोक क्रिलोक पूर्वजः। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घकाल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। द फेलो इंडीड प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ओ चैस्टिसायर्स ऑफ फोर्स Severe austerities by which Brahma, the maker of the universe and the proprietor of all created beings, got very much pleased. संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। Highly gratified, Brahma conferred on the ogre a boon to the effect that he would have no fear from the different species of creatures being other than man. अज्ञाताः पुरातेन वरदाने हि मानवाः एवं पिता महात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण
उसका घमंड बढ़ गया है। उत्साद यदि लोकान स्त्रीन कर्षति तस्मात तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्य परं तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोकों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। At the time of receiving the boon of yore, really speaking, men were treated as of no account and were left out of the consideration by him. Elated thus by the boon received from Brahma, the proprietor of the entire creation, he is oppressing all the three worlds and carries off women folk. Hence, his death has been ordained at the hands of man, the chastiser of all foes. इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचायामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। Hearing the aforesaid submission of the gods, the high-souled Lord Vishnu then desired King Dasharatha to be his father. सचाप्य पुत्रो नृपति स्मिन का काले माद्यति ही अयजत पुत्रिया मिष्टिम पुत्रेप्सुर रिसूदनः। उसी समय वे शत्रु सूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। Desirous of getting a son, since he had no male issue, the aforesaid monarch too, who was possessed of great splendor and was capable of destroying his foes, performed at that very time a sacrifice calculated to procure him a son. सकृत्वा निश्चयम् विष्णु रामंत्रिय च पितामहम् अंतर्धानम् गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। Having made up his mind accordingly and saying goodbye to Brahma, the progenitor of the entire creation, then Lord Vishnu disappeared even while he was being worshipped by the gods and great rishis. ततो वै यजमानस्य पावकाद तुल प्रभम प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। Then indeed there arose from the fire known as Ahvanya of the sacrificer an extraordinary being possessed of matchless splendor and endowed with exceptional prowess and uncommon strength. कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तासयं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षत अनुजश्म श्रुप्रवरमूर्धजम्। उसकी अंगकांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुन्दुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। Dark complexioned with a ruddy countenance and a voice resembling the sound of large kettle drums, he was clad in red and had soft and excellent hair resembling a lion's all over his body, about his lower face and on his upper lips, as well as on his head. शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्सेधम दृप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। Invested with auspicious marks on his body and decked with celestial jewels, he possessed the height of a mountain peak and strode like a proud tiger. दिवाकर समाकारम दीप्तान लशीखोपमं तक्त जांबून दमयीम
राजतांत परिच्छदाम दिव्य पायसम पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीम प्रियाम प्रगृह विपुलाम दोर्भयाम स्वयं माया महिमि। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी, वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जांबुनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात यानी थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। His figure shone like the sun, and he looked like a flame of blazing fire, and personally carried in both his arms a large basin of refined gold, full of ethereal payasam, milk boiled with rice and sugar, and covered with a silver lid, as though a product of magic, even as one would carry one's own beloved spouse. Sam vikshya bravid vakyamidam dashratham ripam prajapatyam naram vidhi mamiha abhyagatam rip. उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो, मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। Gazing at King Dashrath, he addressed the following words to him: Know me, O protector of men, to be a messenger of Vishnu, the protector of created beings, arrived here from his realm. ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कुतांजलि भगवन स्वागतम ते ते अस्तु किमेहम करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवन आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। Thereupon the king replied to him with folded hands, May my hearty welcome be acceptable to you, O divine personage. What can I do for you? अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो अब्रवीत राजन अर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। The servant of Lord Vishnu now spoke the following words to him. By worshipping the gods by means of a horse sacrifice and a sacrifice performed for the sake of a male progeny, has this reward been secured by you today, O King? Idam tu nripshardur payasam deva nirmitam prajakaram gruhanatvam dhanyam arogya vardhanam. Nripshresht, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है, तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। Receive, O tiger among kings, this payasam prepared by the gods, which is not only capable of procuring a son, but is also conducive to wealth and a promoter of health too. भार्याणाम अनुरूपाणाम श्नीतेति प्रयच्छवे तासु त्वं लपस्यसे पुत्रान्यदर्थं यजसेन रिप। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ, ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेकों पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। Give it to your wives that are worthy of you, belonging to your own varna or grade of society, and sharing your virtues with the words, Eat it all of you. Through them who partake of it, you will secure four sons, for whom you have been performing sacrifices, O great king and protector of men. Tatheti nripatihi pritaha shirsa pratigruhaya tam patrim devan sampurnam devadattam हिरणमयीम अभिवाद्य च अद्भुतम प्रियदर्शनम मुदा परमया युक्तश्च काराभि प्रदक्षिणम। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से
परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया, फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। Accepting delightfully with his head bent low and with the words, so be it, the aforesaid gold basin full of heavenly food and vouchsafed by the Lord, and greeting that extraordinary being of delightful aspect, the king, full of supreme joy, went around him clockwise as a mark of respect. Tato dashratha prapya payasam dev nirmitam babhuv param pritah prapya vitt vividhanah. English version. Dashratha felt highly pleased to secure from him the payasam prepared by the gods, even as a pauper would on obtaining riches. Tatastha adbhut prakhyam bhutam param bhaswaram sam vartayitva tat karma tatraivantar dhiyat. Having disposed of that duty of handing over the payasam to the king, that most effulgent being of wonderful appearance then vanished into the fire itself. इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। हर्ष रश्मि भिरुद्योतम तस्यांतः पुरमा बभौ शारदास्य भिरामस्य चंद्रसेव नर्भो नभों शुभी। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरद काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। Irradiated by the beams of joy playing on his countenance, the gynecium to which he now hastened shone bright like the firmament illuminated by rays of the delightful autumnal full moon. So antahapuram pravishyav kausalyami idam bravit payasam pratigrahar pratigrahinishv putriyam twid mahatmanah. Raja Dashrath vah kheer lekar antahapur mein gaye aur kausalya se bole, devi, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। Immediately on entering the gynecium, he spoke to Kausalya, his eldest wife, as follows: Accept this balsam, which is indeed calculated to procure you a son. कौसल्याये नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अदार्धं ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौसल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। With the object of getting him a son each, the king then gave half of the payasam to Kausalya, and the emperor made over one half of the other half to Sumitra, his second wife too. कैकये चाविशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चाविशिष्टार्धम पाय सस्यामृत अमृतोपमम् अनुचिन्तय सुमित्रायै पुनरेव महामतिहि एवं तासाम ददौ राजा भार्याणाम पायसं पृथक्। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया, तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। अगेन ही गेव हाफ ऑफ द रेस्ट टू कैकेयी एंड रिफ्लेक्टिंग अ व्हाइल The highly intelligent Dasharatha gave the other half of the nectar-like payasam once more to Sumitra. In this way, the monarch apportioned the payasam separately to all his aforementioned wives. Tashi chayvam payasam prapya
नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानं मे निरे सर्वाः प्रहर्षोदित चेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। All the aforesaid noble wives of the emperor deemed this appointment as an unique honor, their mind enlivened through excessive joy on receiving the payasam. Tatastutah prashya tamuttam striyo mahipaterum uttam payasam prithak hutashan aditya saman tejaso achiren garbhan pratipedire sattada। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और समान तेजस्वी थे। Partaking of the excellent payasam separately, the same moment, those noble wives of the emperor actually felt before long by virtue of it the presence in their womb of offspring vying in splendor with the fire and the sun. Tatastu raja prativiksha taha striha prarud garbha pratilabdh manasah babhuv hrisht stri dive yatha harihi surendra siddharshi gan abhi pujitah। Tadantar apni un raniyon ko garbhavati dekh raja dashrath ko badi prasannata hui। Unhone samjha mera manorath फल हो गया, जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। Perceiving the aforesaid queens with offspring in their wombs, quickened immediately afterwards, the emperor who had attained his desired object and was adorned by Indra, the ruler of gods, and the host of Siddhas and Rishis as the future father of the divine Sri Rama, felt delighted even as Indra does in heaven. Ityarshe Srimad Ramayane Valmikiye Adikavye Balkande Shodashah Sargaha। Is prakar श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends canto 16 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the works of a rishi and the oldest epic। ॐ श्री राम राम रामेति रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामयम्। धन्यवाद।